हेलो। दिस इज लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तब एस्टिमेटिंग होता क्या है ना, इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, एस्टिमेटिंग होता क्या है। एस्टिमेटिंग बेसिकली आपका जो होता है, तो डिफरेंट आपका आइटम है, मान लीजिए जो भी आपका वायरिंग कर रहे हैं, या आपका जो भी हाउस वायरिंग कर रहे हैं या फिर पावर वायरिंग कर रहे हैं, जो भी आप वायरिंग कर रहे हैं, तो उसका पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा उसमें आइटम लगेगा, ठीक है ना। कौन कौन सा हम लोग का आइटम लगेगा, फिर उसका असेसमेंट करते हैं, फिर उस आइटम का पता करते हैं कॉस्ट। उस आइटम का जो डिफरेंट डिफरेंट आपका जो आइटम लगेगा, उस हर एक आइटम का कॉस्ट कितना है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग कितना वर्क लगेगा, कितना कितना डे लगेगा, कितना कितना डे लगेगा, कितना डे में इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, एस्टिमेटिंग हो गया। क्या हो गया आपका, एस्टिमेटिंग हो गया। एस्टिमेटिंग करने के लिए बेसिकली आपका जो है मेन, जो आपका पॉइंट है, मेन आपका पॉइंट आपका क्या है कि आपका जो भी मटेरियल लगेगा, जो भी आपका मटेरियल लगेगा, उसका एस्टिमेशन करना, फिर एनालिसिस ऑफ कॉस्ट करना, उसका कॉस्ट करना, फिर हम लोग उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। अब फिर उसको हम लोग फिर क्या करते हैं, उसका आपका हम लोग सेलिंग एड्स में डालते हैं। क्या डालते हैं, सेलिंग एड्स में डालते हैं, मतलब हम लोग उसको बिड करने के लिए डालते हैं, ठीक है ना। तो पर्पस क्या आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, पर्पस आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ही है कि पहला आपका जो पर्पस होना चाहिए कि आपका जो भी एस्टिमेटर है, उसको पहले आपको इंटरनल वायरिंग करने के लिए या फिर आपका जो भी पावर वायरिंग करने के लिए जो भी आपका लगेगा, तो पहले हम लोग क्या चेक करते हैं उसका कि किस स्कीम पे उसका इंस्टॉलेशन होगा, मतलब किस किस स्कीम पे आपका उसका वायरिंग होगा, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग है ना, टाइप्स ऑफ वायरिंग, कौन सा वायरिंग इसमें हम लोग करेंगे, फिर कौन कौन सा मटेरियल आपका इसमें लगाएंगे, है ना। फिर क्वालिटी क्या होगा मटेरियल का, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी आपका अवेलेबल है मार्केट में, कौन सा क्वालिटी लगाएंगे, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें कितना टाइम मिले मैं उसको कंप्लीट करेंगे, और उसका में आपका जो भी लगेगा, जो भी फिटिंग आपका होगा, या आपका जो भी आपका स्विच इसमें यूज करेंगे, है ना, कौन कौन सा आपका स्विच करेंगे, सब प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं पहले डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। फिर उसका प्लान करेंगे, है ना। फिर हर एक आपका जो भी आपका वायरिंग करेंगे, तो कौन सा आपका जो है, आपका जो भी इक्विपमेंट है, मान लीजिए बोर्ड लगाना है या स्विच गियर इक्विपमेंट जो भी आपका है या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो कहाँ पे लगेगा, उसका पोजीशन क्या होगा, आपका घर के अंदर कर रहे तो उसका पोजीशन कहाँ पे होगा, इसे हम लोग पहले से क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो बड़ा बड़ा आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, क्या करता है वो है ना, या पार्टी जो मेन पार्टी है, या मेन जो कहिए आपका जो जो आपका मेन पार्टी या कॉन्ट्रैक्टर कहिए, पहले क्या करता है वो कैटलॉग मंगाता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से हर एक इक्विपमेंट का। मान लीजिए जस्ट लाइक आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाना है ना, है ना, या आपका फिर आपको मान लीजिए घर से घर पे आपको मंगाना है, मगर मान लीजिए बड़ा बड़ा जो आपका कंपनी है, अगर मान लीजिए उसको कुछ इक्विपमेंट खरीदना है, तो पहले क्या करता है वो जो जो उस इक्विपमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मंगाती है, तो हर एक कंपनी से वो क्या करता है, पहले मंगाता है आपका, क्या मंगाता है आपका, कैटलॉग, है ना, कि आपका जो मशीन है वो कितने रेटिंग का है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है ना। ये सब मंगाने के बाद उसका क्या करता है, फिर उसका मार्केट सर्वे करता है, क्या करता है आपका, मार्केट सर्वे करता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर अवेलेबल है ना, इसका सोर्स क्या है प्रोडक्शन का, है ना, इसका वेंडर कंपनी कौन सी है ना, इसमें डिस्काउंट कितना मिलेगा, इसका प्राइस कितना है, इस सब क्या करता है, पहले मार्केट सर्वे करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर हर एक का आपका जो है, हर एक क्वांटिटी आपका जो मटेरियल है, उसका जो कितना आपका लगेगा, वो डिसाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, है फिर हम लोग मंगवाते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या उसमें ऐड करते हैं, आपका है लेबर कॉस्ट, क्या हम लोग ऐड करते हैं, लेबर कॉस्ट, कि आपका जो कॉस्ट आपका है ना, आपका जो भी मान लीजिए आपको इंस्टॉलेशन करना है, तो उसमें लेबर का कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है ना। फिर एक आपका होता है ओवरहेड चार्जेज, ओवरहेड चार्जेज मतलब ओवरहेड चार्ज मतलब कि आपका जो जिस मान लीजिए आपका जो भी आपका ऑफिस है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, या आपका जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मान लीजिए आपका जो है वहाँ पर ऑफिस का रेंट कितना होगा, है ना, आपका जो अलायंस कितना देंगे उसमें, बिल्डिंग में आपका जो आपका खर्च होता है जनरली, जो नेसेसिटी इक्विपमेंट है, नेसेसिटी आपका जो चीज़ है उसमें खर्च कितना होगा, या अगर मान लीजिए प्लांट है तो उसमें आपका जो मशीन का उसका डिप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा, है ना, फिर उसका स्टाफ का वेजेस कितना होगा, इस हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। फिर रेट कितना होगा, टैक्स कितना पे करना पड़ेगा हम लोग का, उस टेलीफोन बिल कितना आएगा, इसे हम लोग क्या करते हैं पहले डिसाइड करते हैं। सो क्या करते हैं हम लोग, ओवरहेड चार्जेस कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो पहले आपका क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फिर उसको कॉस्टिंग करते हैं, तो फिर फाइनली हम लोग क्या करते हैं उसको है, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं फाइनली हम लोग उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, उसको बेसिकली डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, क्या डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ वायरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग, जैसे आपका अवेलेबल है, मान लीजिए होटल है, रेस्टोरेंट है, सबका वायरिंग अलग अलग टाइप से होगा, है ना, और हर एक में अलग अलग टाइप का इक्विपमेंट लगेगा, ठीक है ना, और उसका रेटिंग हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग होगा। तो होटल के लिए अलग से होता है, रेस्टोरेंट, कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कम्प्लेक्स है, ऑफिस है,
या मान लीजिए आपका स्मॉल इंडस्ट्री या फिर आपका वर्कशॉप है, इसके बेसिस पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को डिवाइड किए हैं दो पार्ट में, दो पार्ट में। तो पहला आपका है स्मॉल, आपका पहला आपका कौन सा है स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन, देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, तो पहला आपका कौन सा है आपका स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन, स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। आपका देखिएगा जो रेसिडेंशियल है आपका जो घर है उसमें आपका बेसिकली दो ही बार आता है, एक फेज का एक आपका न्यूट्रल का, एक आपका फेज का एक आपका न्यूट्रल का, है ना। तो देखिएगा आप डायग्राम में, तो फेज में हम लोग क्या करते हैं फ्यूज लगाते हैं, एक तो है न्यूट्रल में कोई न्यूट्रल आपका कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए न्यूट्रल में कभी हम लोग क्या लगाते हैं कोई हम लोग फ्यूज नहीं लगाते हैं, न्यूट्रल हम लोग क्या लगाते हैं कोई भी फ्यूज हम लोग नहीं लगाते हैं। फिर आपका जो फ्यूज और आपका जो न्यूट्रल है, जब आपका मेन फेज आया वायर आया और आपका जो न्यूट्रल वायर आया उसको कहाँ डालते हैं हम लोग पहले एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर के पहले एक आपका लगा रहता है फ्यूज बोर्ड, एक क्या लगा रहता है आपका फ्यूज बोर्ड, है ना। फिर फ्यूज बोर्ड से आपका जो दो वायर निकलेगा, एक फेज का है एक आपका न्यूट्रल का, और फेज में क्या डालते हैं हम लोग हैं फ्यूज डालते हैं, है ना, ताकि मान लीजिए किसी तरह से फॉल्ट हो तो आपका ये फ्यूज वहाँ से हो जाए, है ना, ओपन हो जाए ताकि आपका कोई आपका प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो हम लोग फिर उसके बाद क्या करते हैं कहाँ डालते हैं एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर बोले तो आपका जो मीटर घर में लगा रहता है उससे एक फेज बढ़ जाता है और एक आपका क्या जाता है न्यूट्रल बढ़ जाता है। फिर दो आपका वहाँ से हो गया इनकमिंग और दो वहाँ से निकलता है आउट गोइंग बार, क्या निकलता है दो आउट गोइंग बार। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपका देखिए कर्सर जहाँ पे आपका चल रहा है ये आपका जो सॉलिड वाला वायर है ये आपका फेज का वायर है, और ये आपका जो डॉटेड वायर है ये आपका कौन सा वायर आपका न्यूट्रल वायर है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आपका जो है दो वायर निकला, एक आपका फेज वायर और एक आपका न्यूट्रल वायर। फिर हम लोग डालते हैं घर का जो अंदर में जो आपका होता है एक आपका होता है उसको कहते हैं फ्यूज बोर्ड कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं उसको फ्यूज बोर्ड, है ना। तो एक फ्यूज बोर्ड देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखिएगा कर्सर जहाँ पे आपका चल रहा है माउस का, तो आपका एक यहाँ पे क्या है फ्यूज बोर्ड है, और फिर फ्यूज बोर्ड से कहाँ डालते हैं हम लोग हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, कहाँ डालते हैं हम लोग हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और फिर वहाँ से आपका जो फाइनल सर्किट आपके जो रूम में पहुँचता बोर्ड है, बोर्ड में आपका जो वायर पहुँचता है वहाँ से फिर पहुँच जाता है। तो इस फिगर में बेसिकली दिखाया गया है जो आपका सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहने का मतलब जो आपका रूम में बोर्ड है, जो आपका रूम में बोर्ड है। तो बेसिकली इतना बड़ा नहीं होता है स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन में, सिर्फ उसमें क्या होता है आपका एक फ्यूज बोर्ड होता है स्टार्टिंग में, फिर वहाँ से हम लोग डालते हैं कहाँ जाते हैं एनर्जी मीटर में, फिर एनर्जी मीटर से जाते हैं किस में एक फ्यूज बोर्ड में, और फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। तो स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन क्या हो गया, ये बेसिकली कहाँ के लिए यूज करते हैं हम लोग हैं हाउस में वायरिंग के लिए, और आपका कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग हैं स्मॉल इंडस्ट्री में, है ना। तो इसमें सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं और वहाँ से हम लोग कहाँ डालते हैं आपका है फ्यूज बोर्ड में, फिर वहाँ से हम लोग डालते हैं हम लोग कहाँ मीटर बोर्ड में, फिर मीटर बोर्ड से हम लोग कहाँ डालते हैं हम लोग है मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वहाँ पर डाल के आपका हम लोग यूज करते हैं। तो आपका कौन सा हो गया आपका स्मॉल रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका है मीडियम और लार्ज इंस्टॉलेशन, मीडियम और लार्ज इंस्टॉलेशन। तो देखिएगा आप इसको, है ना, आप देखिए यहाँ पे नीचे जहाँ पे कर्सर है यहाँ पे क्या आपका है ये आपका जो पोल पर से आपका जो लाइन आया है आपका क्या आता है थ्री फेज फोर वायर, थ्री फेज फोर वायर, तीन फेज का आता है और एक आपका आता है न्यूट्रल का, एक आपका क्या आता है न्यूट्रल का, ये आपका जो है इसको कहते हैं न्यूट्रल लिंक, इसको क्या कहते हैं न्यूट्रल लिंक। और आपका ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है सिंबल किसका है फ्यूज का, किसका आपका है ये फ्यूज का। तो आपका पोल पर से आपका कहाँ पे आया मीटर में आपका आया, मीटर में आता है एनर्जी मीटर में आता है, है ना। या इसके पहले आप कह सकते हैं कि फ्यूज बोर्ड भी लगा रहता है, जनरली अब जो नया वाला आ रहा है इसी में आपका लगा रहता है किसी में मीटर में, है ना। तो आपका क्या था मीटर में कि पहले आपका लगा रहता था एक फ्यूज बोर्ड, है ना, फ्यूज बोर्ड से आपका कहाँ आता है मीटर में आता है एनर्जी मीटर में। और एनर्जी मीटर से हम लोग सप्लाई बनाते हैं बस बार, बस बार कहने का मतलब यहाँ पे वोल्टेज आपका कांस्टेंट होता है, वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं करता, हर एक पॉइंट पे आपका वोल्टेज क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए आपका बस बार में चार वायर है, तीन फेज का और एक आपका न्यूट्रल का, एक आपका न्यूट्रल का। और यहाँ से हम लोग अब डिसाइड करते हैं कि हमको पावर वायरिंग में करना है, पावर वायरिंग पावर इक्विपमेंट के लिए भेजना है या फिर लाइटिंग पर्पस के लिए हमको यूज करना है। पावर इक्विपमेंट करने का मतलब जो आपका जैसे आपका जो आपका कॉलेज में आपका लैब है इलेक्ट्रिकल मशीन है, मान लीजिए आपका जो वहाँ पे इंडक्शन मशीन चल रहा है या सिंक्रोनस मशीन चल रहा है, जो हैवी आपका मशीन है या बॉयलर रूम में कहीं पे आपका है, है ना। तो आपका ये जो आपका यहाँ से जाता है आपका उसमें कहाँ से सप्लाई जाता है आपका थ्री फेज फोर वायर सप्लाई जाता है। तो देखिए वहाँ से हम लोग क्या किए हैं यहाँ से हम लोग कहाँ डालते हैं बॉयलर रूम में, बॉयलर रूम में। और आपका ये जो बोर्ड होता है इसको इसका नाम है ट्रिपल फेज या न्यूट्रल बोर्ड, देखिए आपका लिखा हुआ ऊपर टी पी एंड एन, इसमें आपका तीन फेज होता है और एक आपका क्या होता है न्यूट्रल होता है, क्या आपका होता है न्यूट्रल होता है। फिर यहाँ सप्लाई हम लोग कहाँ देते हैं बॉयलर रूम में देते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे आपका इंडक्शन मशीन सिंक्रोनस मशीन जो हैवी मशीन होता है वहाँ पे हम लोग डालते हैं। तो ये आपका हो गया ई पावर इक्विपमेंट यहाँ पे यूज करते हैं ना। तो पावर वायरिंग हम लोग यूज करते हैं कौन सा वायर थ्री फेज फोर वायर, है ना। फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं?